Hello guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. As you all know, today is Friday and the time duration is around 5 p.m. in the evening, and today we are going to talk about the polling process, what is happening in this, and apart from that, I'm going to address your queries regarding the process. Or iske mereko answer pata hai jo bhi aapne question wagera provide kare to fir main uska resolution aapko provide karunga. Apart from this, if I'll talk about today, slots wagera aapke fir open nahi hue, and I think the process is same for every single person. Aadhe logon ko, if I'll talk specifically about India के अंदर से लोग लॉग इन कर पाए और स्लॉट्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन अगर आपको प्रोवाइड करूं तो स्लॉट्स वगैरह अवेलेबल नहीं है. एंड इफ आई टॉक अबाउट अपार्ट फ्रॉम इंडिया, इफ आई टॉक अबाउट श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और सम अदर लोकेशन, पीपल वोंट बी एबल टू लॉग इन बिकॉज ऑफ दिस लॉग इन इशू हो रहा है इंडिया के बाहर से जो भी ऑपरेट कर रहा है. और जो साइट है स्पेसिफिकली अगर आपको बताऊं तो इंडिया के लिए बनी है, तो इंडिया के अंदर से जो भी लॉग इन कर रहा है उसको उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा, क्योंकि जो उसका इंटरफेस है, इंटरफेस में अगर आपको जो नंबर वाला ऑप्शन आता है जिससे आपका लॉग इन होता है, आपका अकाउंट वैलिडेट होता है, अगर 91 अगर आपका नंबर है, एक्सटेंशन आपका +91 है, तो उसमें अभी प्रॉब्लम नहीं हो रहा. और इफ द पीपल आर अप्लाइंग फ्रॉम अदर लोकेशन, लाइक जैसे आप सबको पता है बांग्लादेश, श्रीलंका और सम अदर लोकेशन, दो तीन जगह हैं जहाँ का सबमिशन न्यू दिल्ली के अंदर होता है, तो फिर उन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा, वो अपना जो उनका कंट्री कोड होगा वो लोग वही यूज़ करते हैं, एंड देन दे यूज़ द ईमेल आईडी एंड कंट्री कोड, और देन दे वुड बी एबल टू लॉग इन. और अभी इसमें ऐसा हो रहा है कि इंडिया के अंदर तो खैर इजीली लॉगिन हो जा रहा है, और इंडिया के बाहर से कोई भी अप्लाई कर रहा तो देर इज़ अ प्रॉब्लम. सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ इशू है, जो वेबसाइट है वो जो पोर्टल है अपना, तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा, जो एक्सटेंशन है उसकी थोड़ी कोडिंग में इशू आ रहा होगा, दैट्स वाई द थिंग इज लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं. और ये ग्लिच एक हफ्ते से पूरा चल रहा है, एंड अगर आप भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, डू वन थिंग, मार्क एन ईमेल टू द VFS एज वेल एज एम्बेसी, और कॉल करके उनसे फॉलोअप लेते रहें. जितना आप उनको फॉलोअप करते रहेंगे उतनी जल्दी आपके चांसेस हैं इसका आपको रिजोल्यूशन मिलेगा. अदरवाइज अगर आप लोग मास में ईमेल नहीं करोगे तो फिर साइट ऑपरेशनल नहीं रहेगी, और दे आर गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. राइट नाउ इफ आई टॉक अबाउट द प्रोसेस, आज और कल के अंदर तो खैर थोड़ा मेरे को मुश्किल लगता है, और अगर आज लॉग इन नहीं हो पाया तो आई थिंक देर आर लो चांसेस ऑफ गेटिंग द रिजोल्यूशन बाय टुडे और टुमारो. दो दिन ऑपरेशनल नहीं रहते आपको पता, सैटरडे और संडे, एंड देर आर हाई चांसेस ऑफ गेटिंग द रिजोल्यूशन बाय नेक्स्ट वीक. जिन लोगों ने अपना क्वेरी वगैरह रेज कर दिया, दैट इज़ अ गुड थिंग. अदरवाइज मंडे को आप लॉग इन करो, अगर आपको स्टिल प्रॉब्लम फेस होगा इन दैट केस आपको फिर दोबारा एक बार कॉल करके कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, और 24 to 48 आवर्स के अंदर अगर मास में ईमेल जाएंगे तभी रिजोल्यूशन ये लोग प्रोवाइड करेंगे. अदरवाइज इनका प्रोसेस ऐसा है कि उतना स्ट्रीम लाइन में प्रोसेस नहीं चल रहा, क्योंकि प्रोसेस में ऐसा है कि सब चीज़ होल्ड पर रख दिया उन लोगों ने. स्लॉट्स वगैरह मैनुअल रिलीज नहीं कर रहे हैं. अगर देखो जो चीज़ें पहले से चली हुई आ रही थी वही चल रहा है इसमें. नेशनल अदर और नेशनल डिपेंडेंट तो कैटेगरी ऐसी है, उसमें बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, और उसके बेसिस में आगे आपका रिजल्ट वगैरह आता है. इफ आई टॉक अबाउट स्टूडेंट वीज़ा, द पीपल आर नॉट गेटिंग द अपॉइंटमेंट, दैट इज हैपनिंग फ्रॉम लास्ट 2 or 3 weeks. December 2023 के बाद जैसे इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ सिस्टम आपका चेंज हुआ, तब से साउथ जोन में सेम प्रॉब्लम चल रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ आई टॉक प्रायर टू दैट, जब इम्प्लीमेंटेशन था अपना साउथ जोन में एम्बेसी के थ्रू मिल रहा था, तभी भी स्टूडेंट वीज़ा के अंदर स्लॉट्स बहुत कम रिलीज हो रहे थे, रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था उसमें. द थिंग इज़ अगर आज का अपडेट प्रोवाइड करूँ तो खैर अगर जो लोग लॉगिन कर पाए तो इंडिया के अंदर स्लॉट्स वगैरह रिलीज नहीं हुए. और अब देखो अब नेक्स्ट वीक में क्या सिनेरियो रहता है. मंडे ट्यूसडे कम चांसेस होते हैं स्लॉट्स ओपन होने के. देयर माइट बी पॉसिबिलिटी दे आर गोइंग टू ओपन द स्लॉट्स बाय वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे. अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम गोना एड्रेस फ्यू क्वेरी रिगार्डिंग द प्रोसेस. जो क्वेश्चन आस्क दे आर फ्यू क्वेश्चन आस्क बाय द कैंडिडेट रिगार्डिंग द प्रोसेस. राइट नाउ दे आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम इन दिस. और सो वी आर स्टार्टिंग द प्रोसेस. और सबसे पहले किसी ने बता रखा है, किसी ने मेंशन करा, समवन मेंशन दैट सेम इशू रिसीविंग OTP कोड. सो आई थिंक आई आंसर्ड, आई हैव प्रोवाइडेड द रिजोल्यूशन रिगार्डिंग दिस. देर इज ओनली वन वे, आपको क्या करना है, एम्बेसी या VFS में कोऑर्डिनेट करो, वही आपकी हेल्प कर सकते हैं. बिकॉज दिस इज अ टेक्निकल ग्लिच, ये कुछ आपके एंड से प्रॉब्लम नहीं है, वेबसाइट के एंड का प्रॉब्लम है, तो फिर आपको एम्बेसी में एक बार रीच आउट करना पड़ेगा. अदरवाइज एक बार आप क्या करो, अगर आपका मैनुअल इसमें नहीं हो पा रहा तो एक जो एप्लीकेशन है VFS की, एक बार उसको डाउनलोड करके आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो उसे, और उसके बाद एक बार उसमें ट्राई करो, क्या पता अगर लॉगिन हो जाए तो दैट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग. अदरवाइज यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद द एम्बेसी. एम्बेसी से तो नहीं करोगे, खैर VFS ऑपरेशनल है, VFS से एक बार कोऑर्डिनेट करो, और एम्बेसी को भी नोटिफाई कर दो. आप एक ईमेल करोगे तो जो उनका एम्बेसडर होता है वो सारी प्रॉब्लम वगैरह वहाँ पे चेक करता है. ईमेल आईडी आपको, अगर आप पोलैंड की एम्बेसी वेबसाइट ओपन करते हो वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन है, एक बार उनको भी इन्फॉर्म कर दो मास में, और उससे ऐसा होगा कि एक इन्फॉर्मेशन उनको भी मिल जाएगी प्रॉब्लम क्या हो रहा प्रोसेस के अंदर. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, प्लीज़ अपॉइंटमेंट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, मिजोरम. सो दिस वीक इफ आई टॉक अबाउट लास्ट 3 weeks, दे हैव नॉट रिलीज द अपॉइंटमेंट ऑन वोक वीज़ा कैटेगराइजेशन.
आपको वेट करना पड़ेगा, जब भी उनके एंड से अपडेट आता है देन फिर आप प्रोसीड कर सकते हैं, अदरवाइज राइट नाउ द प्रोसेस इज ऑन होल्ड फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग ऑन द प्रोसेस, भगवान भरोसे छोड़ रखा है, दो तीन महीने अगर दो तीन हफ्ते से देखूँ तो स्लॉट्स उतने ओपन नहीं हो रहे और फ्रीज ही कर दिया मेरे को लगता है अपॉइंटमेंट अभी तक का, अदरवाइज अगर न्यू मंथ था फर्स्ट वीक ये लोग ऑपरेशन नहीं थे, सेकेंड वीक में स्लॉट्स उनके रिलीज होने थे बट दे हैव नॉट रिलीज द स्लॉट्स, अपार्ट फ्रॉम दैट द साइट इशू इज ऑल्सो हैपनिंग. प्लीज योर वॉइस वीडियो वॉइस वॉल्यूम अप. सो आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन दिस. आई थिंक राइट नाउ द ऑडियो क्वालिटी इज क्लियर एंड आई थिंक इट वुड बी ऑडिबल टू यू. अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो मेरे को लगता है कि आपको समझ आ जाएगा. और ओपेरा मिनी ब्राउजर से ओपन नहीं हो रहा है, ओपन हो रहा है अकाउंट. द थिंग इज इफ इन इंडिया पीपल आर नॉट फेसिंग एनी शॉर्ट ऑफ इशू. अगर इंडिया के अंदर देखें तो वेबसाइट इज वर्किंग प्रॉपरली. और अगर आपका क्रोम पे ओपन नहीं होता, जो इनके जो मेन ब्राउजर होते हैं, जो आपका प्रीफर्ड ब्राउजर के बारे रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन बताऊं, तो आपका क्रोम इज नॉट द प्रीफर्ड ब्राउजर. द प्रीफर्ड ब्राउजर इज मोजिला फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर. अगर आप उसमें ओपन करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा. वर्क वीजा स्लॉट विल ओपन वेन. सो राइट नाउ दे हैव नॉट रिलीज एनी नोटिफिकेशन. राइट नाउ द प्रोसेस इज ऑन होल्ड फ्रॉम लास्ट 3 or 4 weeks. आई कैन से स्लॉट्स उतने रिलीज नहीं हो रहे हैं. अब आने वाले अपकमिंग टाइम पर देखो क्या पता नेक्स्ट वीक करें या फिर क्या होता है. जब भी रिलीज होगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. अदरवाइज कीप एन आई ऑन द वेबसाइट. आई एम ऑल्सो चेकिंग एंड अदर पीपल आर ऑल्सो चेकिंग द वेबसाइट. अगर स्लॉट्स ओपन होते हैं यू विल गेट आइडिया रिगार्डिंग दिस थिंग. आई एम स्टिल हैविंग अ प्रॉब्लम विद द OTP कोड. इट्स बीन 4 to 5 days दैट आई हैव नॉट रिसीव द OTP कोड. आई ट्राइड फ्रॉम अ डिफरेंट डिवाइस ऑल्सो टू लॉग इन बट स्टिल द सेम प्रॉब्लम. Does anyone have the same problem? Yes, people are facing the same problem if they are not from India. They are from some, if they are from other location like Sri Lanka, Bangladesh or some other location. So I think the problem is regarding the extension. So that's why you guys are facing the problem. I think regarding this, you have to coordinate with the Poland VFS team. Or देखो क्या होता है. जो इंडिया के अंदर जो VFS team है उनसे एक बार coordinate करो. They can help you out in this. If you have already marked the email, then wait for 24 to 48 hours. The SLA time is 24 to 48 hours, I guess. 24 से 48 घंटे का टाइम लगता है. उसके अंदर आपको रिजोल्यूशन प्रोवाइड वो कर देंगे मेरे को लगता है. दादा एम्बेसी पे प्रोसेस जाएगा क्या? नहीं तो अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगा? एम्बेसी के अंदर अभी प्रोसेस नहीं जाएगा भाई जितना मेरे को लगता है. अगर एम्बेसी का जो सीन था उनसे हैंडल नहीं हुआ वर्क, दैट्स वाई दे आउटसोर्स द वर्क टू VFS. और अगर आपको बताऊँ उस टाइम पर इनके इलेक्शन हुए थे, हल्का फुल्का गवर्नमेंट चेंज हो रही थी, तो तभी भी इन लोगों ने ऐसा किया कि जो वर्क है थोड़ा करप्शन वगैरह शो करा. रेस्ट नाउ ऑल्सो द सेम थिंग इज हैपनिंग. एवरी सिंगल पर्सन इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम. यू अगर इसके अंदर देखा जाए तो प्रोसेस के अंदर फिर से स्कैम होना स्टार्ट हो गया, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है. सो प्रोसेस ऐसी जैसे पहले वर्क करा था वैसे ही अभी भी करा. एक तो मैंने इन लोगों ने गवर्नमेंट चेंज हुई तभी हल्का फुल्का दिखावा वगैरह करा, दैट्स वाई दे चेंज द एंटायर प्रोसेस. नाउ एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल. जैसे पहले होता था वैसे ही आपका प्रोसेस चल रहा है. और अपॉइंटमेंट यार पेड मिल रही, पेड में भी थोड़ा ऐसा है, थोड़ा स्कैम हो रहा है उसमें. अगर नॉर्मल देखो तो मैनुअल थोड़ा प्रॉब्लम रहता ही है हमेशा. और इफ आई टॉक अबाउट द पेड अपॉइंटमेंट, सो दैट इज टू रिस्की. पीपल आर गेटिंग स्कैम्ड. अगर आपके उसमें जेन्युइन लिंक्स नहीं है तो आई थिंक अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है. और जिसका सबमिशन हो भी रहा है तो राइट नाउ द वीजा रेशियो इज वेरी बैड. पीपल आर गेटिंग द रिजेक्शन. अभी आज ही किसी ने मेंशन करा था कि दे गॉट 2 rejection. द फर्स्ट वन इन द पॉइंट नंबर 4. और जो पॉइंट नंबर 4 आपका जितना मेरे को पता आई थिंक दैट इज़ फॉर इंश्योरेंस पार्ट. और उसके बाद जो 10 पर उनका रिजेक्शन आया दैट इज़ इंटेंट टू ट्रैवल, इंटेंशन ऑफ ट्रैवल. जस्ट जो आप वहाँ जाते हैं आप जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है डाउट होता है आपके प्रोफाइल पे कि आप वहाँ जाके काम करोगे या फिर इलीगली कहीं और मूव हो जाओगे, या फिर उनको लगता है जो आपका प्रोफाइल है जस्टिफाई नहीं करता, दैट्स वाई आपका पॉइंट नंबर 10 आता है. बट कभी कभी ऐसा होता है कि उनका अगर रेशियो उतना सही नहीं चल रहा तो इन दैट केस मास में पॉइंट नंबर 10 में रिजेक्शन देते हैं. वो अनसर्टेन होता है, इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द ऑफिसर. सो ऐसा हो रहा है अभी. अगर वीजा का रेशियो के बारे में भी आपको बताऊंगा व्हाट इज हैपनिंग इन दिस प्रोसेस. व्हाट हैपेंड टू यू? यू आल्सो अप्लाइड फॉर द पोलैंड. यस ब्रदर, आई अप्लाइड फॉर द पोलैंड. नाउ आई हैव सम अदर प्लान्स, दैट्स व्हाई आई प्लेस्ड दिस प्लान ऑन होल्ड. अभी कुछ टाइम तक मैं पोलैंड के लिए अप्लाई नहीं कर रहा हूँ. आई वेट फॉर अ वाइल एंड देन आई चेक फॉर सम अदर लोकेशन. देखते हैं क्या पता कहीं और का बाद में अप्लाई करता हूँ. बट राइट नाउ आई एम नॉट लुकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी. Sir, I can take appointment in Delhi if I'm from South zone. No brother, if you are from South jurisdiction, in that case you can do one thing. You have to do the submission in Mumbai consulate only.
जो साउथ ज्यूरिडिक्शन के अंदर जो भी आपके वी एफ एस सेंटर्स हैं, सो यू हैव टू बुक द अपॉइंटमेंट इन साउथ ओनली. दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन इन दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन इन नॉर्थ ज्यूरिडिक्शन. सो यू हैव टू डू द सबमिशन इन साउथ वन ओनली. भाई वर्क वीजा के स्लॉट्स कब ओपन होंगे? सो राइट नाउ देर इज नो फिक्स टाइम. देर माइट बी पॉसिबिलिटी दे आर गोइंग टू ओपन द स्लॉट्स बाय नेक्स्ट वीक, और होल्ड पे भी रह सकता है फैब वाले टाइम पे प्रोसेस. अभी कुछ अपडेट नहीं है इसका, स्लॉट्स वगैरह अभी ओपन नहीं हुए. और पीक टाइम आपके आपके अगर पीक टाइम के बारे में बताऊं तो आई थिंक वेंसडे थर्सडे फ्राइडे था, और इस टाइम पे इन लोगों ने स्लॉट्स वगैरह रिलीज नहीं करे. स्टिल नो अपॉइंटमेंट सर. यस दे हैव नॉट रिलीज द अपॉइंटमेंट टिल नाउ, एंड आई थिंक अब देखो नेक्स्ट वीक क्या होता है. होप फॉर द बेस्ट. माई ब्रदर पोस्टेड अ रिप्लाई टू माई वी डी प्रीवियस कॉमेंट. आई चेंज माई डिवाइस टू द प्रॉब्लम ऑफ नॉट रिसीविंग द ओ टी पी नंबर. ऑल्सो द ई मेल वॉज चेंज्ड एंड आई यूज सेवरल डिवाइस. अ फ्यू ई मेल आई डी ऑल्सो वॉज क्रिएटेड एंड कैप्ट. द थिंग इज द प्रॉब्लम इज नॉट फ्रॉम यू एंड, द प्रॉब्लम इज इन द वेबसाइट. दैट्स वाई यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम. एंड सो राइट नाउ यू कैन डू वन थिंग, वेट फॉर अ वाइल, मार्क देन एन ई मेल. आई थिंक you mention every single thing right on this. They asked for few things from your end. If they have asked for few things like name, password number, registered email address, contact number, VFS center, so in that case you can do one thing, share the details, and apart from that attach the screenshot of error, like you are saying that you are not getting the OTP. You can mention that particular attachment right over there and then wait for the result. Within next 24 to 48 hours I guess they'll provide the resolution. That is the only thing you can do as of now, because the problem is not from your end. That is from the, I can say VFS or embassy's end, because the site is not working fine. So there is a glitch going on the website. So you cannot do anything right now. So they have to do some changes on their website. And apart from that, waiting for study visa, can you please mention when will the slots available? So if I'll talk about this particular thing, the preferred time was today, I can say from Monday to Friday, but this time they have not released the slots. I think someone mentioned that on Wednesday, I guess Wednesday or Tuesday evening they have released the slots, but I don't know exactly, because at that point of time I have not checked. But after that I can, they have not released the slots after that particular day, if I'll talk about Wednesday, Thursday, Friday. So you can do one thing, wait for a while, check the slots in upcoming weeks. So there is a possibility they can release the slots. There is always a possibility, because as per them, the standard time is from Monday to Friday for the student visa categorization. If I'll talk about other categorization like work visa, that is, their peak time is Wednesday, Thursday, Friday. So from your end, you can do one thing, you can wait for the next week and hope for the best. I think you'll get the appointment. That's all you can do, one thing. That's all you can do from your end right now. And I think that's all from my end. I answered all the query, and today or day after tomorrow or day after tomorrow, I'll make separate session regarding the process. There are few things that needs to be addressed on this particular process. Aur uske regarding main ek email aapko video banake aapko sari information share kar dunga. Thank you guys. Have a nice day.